हर घर पे जन्माष्टमी पे कुछ बने ना बने, लेकिन पंजीरी और पंचामृत जरूर बनता है। कान्हा जी को इसका भोग लगाते हैं और सभी लोग बहुत चाव से इसे खाते हैं। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ आटे की पंजीरी बनाने की बहुत ही आसान और सही तरीका। बहुत बारी पंजीरी बनाते हैं, बिगड़ जाती है, अच्छी नहीं बनती, कच्ची सी बनती है, बहुत सारी तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन आज की जो रेसिपी है ना, ये कम इंग्रेडिएंट से बहुत ही बढ़िया आपको पंजीरी बनाना मैं बताऊंगी। देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी, बहुत लाजवाब बनी थी खाने में। तो इस तरीके से बनाइए और कान्हा जी को भोग लगाइए। इसके साथ ही साथ अगर हम पंचामृत की बात करें तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आने वाला है जो कि मंदिरों में हम लोग जब खाते हैं तो मिलता है, वैसे ही टेस्ट वाला आप घर पे पंचामृत भी बना करके तैयार कर सकते हैं। इसका भी बिल्कुल सही तरीका बताऊँगी जिससे कि आपका जो पंचामृत है ना, वो एकदम बढ़िया बनेगा टेस्ट में। तो चलिए आज हम बनाते हैं कान्हा जी का फेवरेट, ये वाला, ये जो पंचामृत वाला दही और आटे की पंजीरी। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो सबसे पहले हम आटे की पंजीरी बनाएंगे। आटे की पंजीरी बनाने के लिए आपको चाहिए गेहूं का आटा। मैंने यहाँ पर पहले से ही मेज़र करके 2 कप गेहूं का आटा लिया है। तो जो मेज़रमेंट वाला कप आता है ना, मैंने उसी से जो है इसे मेज़र किया है, जो कि अगर ग्राम में नापे तो 400 ग्राम के करीब है। तो आप इसे मतलब कितना भी बना सकते हो, जितना चाहो उतना बना सकते हो। इसमें कोई मतलब ऐसे चीज़ नहीं है कि आपकी रेसिपी जो है वो बिगड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे चलाते हुए इसे बिल्कुल धीमी आँच पर अच्छे से तरीके से भून लेंगे। इसे भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब साथ ही में हम जो है, जैसे ही आटा गर्म होगा ना, तो इसमें 1 कप जितना मखाना डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप जितना मखाना ऐसे ही इसमें डाल दिया है। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी ड्राई फ्रूट है और मखाना वगैरह है ना, वो इसी साथ में पंजीरी के मतलब आटे के साथ में भुन जाएंगे। आपने अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं होगी। हमने यहाँ पर पहले जो है मखाना ऐड कर दिया है, क्योंकि मखाने को भूनने में थोड़ा वक्त लगता है। तो बस इसे बिल्कुल भी छोड़े नहीं, इसे चलाते रहें और बिल्कुल धीमी आंच पे भूनें। बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी का काम ना करें, आप आराम से इसे बनाएं, तभी इसका जो स्वाद है ना वो बहुत बढ़िया आता है। अब इसमें हम घी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने 1/4 कप के करीब यहाँ पर घी लिया है। तो 2 कप आटे में हमने यहाँ पर 1/4 कप जितना इसमें घी डालना है। घी को जो है आप धीरे धीरे करके डालें, इकट्ठा नहीं डालें। और ये देखिए, इस तरीके से अब हम चलाते रहेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं पड़ता है, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा घी जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे भूनते रहेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लगती। जब ये अच्छे से भून जाता है तो इसमें से बहुत बढ़िया सी खुशबू आने लगती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इसमें जो घी है ना, वो इकट्ठा नहीं ऐड करेंगे, इसमें धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपको पता चलेगा कि इसमें कितना घी और डालना है या नहीं डालना है। तो बस इसी तरीके से आप रोस्ट करें। इस तरीके से आप बना करके देखिए, पंजीरी बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार होगी। तो बस 2 से 3 बातों का आपने ध्यान रखना है कि आपको इसे बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है और आटा गर्म होते ही आपने इसमें मखाने डाल देने हैं, जिससे मखानों का फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये रोस्ट होंगे। अब देखिए, मैं थोड़ा घी इसमें और ऐड कर रही हूँ। जितना मैंने घी लिया था सिर्फ उतना ही मैंने इसमें ऐड किया है, यानी कि 1/4 कप, उससे ज़्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। तो जन्माष्टमी के अवसर पर कान्हा जी का फेवरेट ये दही पंजीरी ज़रूर से आप ट्राई कीजिएगा, भगवान को भोग लगाइएगा। और अगर आप पूजा नहीं भी करते हैं तो भी आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टैम्पटिंग है, बहुत पसंद आएगी सभी को। अब इस तरीके से देख सकते हैं, इसका जो कलर है ना, वो 2 से 4 मिनट बाद, जब कढ़ाई और बर्तन आपका सब अच्छे से मतलब गर्म हो जाएगा ना, तो ये जल्दी से भुनने लगेगा। थोड़ा सा टाइम इसे लगता है, जैसे कि अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें तो यहाँ पर 8 से 10 मिनट धीमी आंच पे मुझे लग गए थे आटे को भूनने में। अब यहाँ पर ये अच्छे से भून चुका है। जब ये ऐसे आधा हाफ भुन जाए तब आप इसमें क्या कीजिए, ड्राई फ्रूट्स को ऐड कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, 3 ड्राई फ्रूट मैंने लिए हैं, जैसे कि बादाम है, काजू है, चिरौंजी है, और उसके पहले मैंने मखाना डाल दिया था। तो इसमें 4 चीज़ें हमने डाल दी हैं। तो वैसे तो आप पंजीरी में 5 प्रकार के या फिर 7 प्रकार के डाल सकते हैं, लेकिन जो पंचामृत होता है उसमें केवल 5 प्रकार के पड़ते हैं ड्राई फ्रूट। तो जो भी हो आपके पास आप इसमें ऐड कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि मतलब कोई नहीं है तो आप उसे भी लाएँ या फिर उसे डालें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास इनमें से कोई चीज़ें नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं।
तो बस अब इसे हम 2 से 4 मिनट के लिए और भुनेंगे ताकि हमारे जो ड्राई नट्स हैं ना वो इसके अंदर अच्छे से भुन जाएं। ऐसा करने से आपने अलग से भुनने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बढ़िया पंजीरी भुन करके तैयार हो चुकी है। मुझे पूरे 10 से 12 मिनट लग चुके हैं इसका कलर चेंज करने में। अभी हमने चीनी वगैरह नहीं ऐड की है, इस टाइम पे हम चीनी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। बस इसका अच्छे से आप कलर चेंज कीजिए और मखाने को ऐसे तोड़ करके देखिए कि वो टूटने चाहिए। तो बस अब गैस को बंद करेंगे और फौरन ही हम इसे जो है एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो बर्तन में इसलिए निकालना है क्योंकि ये जो कढ़ाई ना ये गर्म है और अगर इसमें रखा रहेगा तो इसका कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा, जो कि अब मैं नहीं चाहती। एक्चुअली अगर थोड़ा सा भी और भुना तो वो जलने लगेगा। तो बस इतना ही आपको देखिए कलर इसका चेंज करना है। धीमी आंच पे मैंने बिल्कुल भूना है, पूरे घर में इसकी जो खुशबू है ना वो फैल गई है। तो अब हम इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिला रहे हैं वो है ये तुलसी की पत्ती। तुलसी की पत्ती ज़रूर से मिलाएं, ज़रूर मिलाई जाती है जब हम कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तुलसी की पत्ती और गंगा जल दो चीज़ें हैं जो इसमें जाती ही जाती हैं। अब देखिए मैंने 5वां ड्राई फ्रूट यहाँ पर गरी डाल दिया है। अब हम इसमें जो है पिसी हुई चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 कप हमने पिसी हुई चीनी डाल दी है। तो 1 कप जितना हमने पिसी हुई चीनी डाली है इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप पिसी हुई चीनी नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ पर चीनी का भूरा भी बहुत जने डालते हैं, तो चीनी का भूरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं या फिर मिश्री को पीस करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जो भी आप पसंद करें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बस अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि एकदम गर्म गर्म में आपको नहीं मिलाना है। जब आपका आटा जो है ठंडा हो जाए तब आप इसमें जो है चीनी को मिलाइएगा। अदरवाइज़ जो क्या होगा कि आटा गर्म होगा, चीनी जाएगी तो वो पानी छोड़ देगी और चिपचिपी बन जाएगी। ऐसे खिली खिली पंजीरी बनाने के लिए एक टिप्स बहुत ध्यान रखिएगा कि आपको ठंडा करने पर ही इसमें चीनी मिलानी है। और देखिए बहुत ही बढ़िया कान्हा जी की हमारी जो आटे की पंजीरी है ना ये बन करके तैयार हो गई है। उम्मीद है ये वाली रेसिपी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी आटे की पंजीरी बनाने की। अब चलिए इसका जो साथी है वो बनाते हैं, मतलब कि पंचामृत बनाते हैं। आटे की पंजीरी अधूरी है पंचामृत के बगैर। यहाँ पर 3 कप जितना मैंने यहाँ पर दही ले लिया है। दही बहुत खट्टा नहीं है, बहुत इस तरीके से है, पतला या गाढ़ा, इस तरह से जैसा भी आप रखना चाहें इसको रख सकते हैं। जैसे मैंने 1/2 कप जितना इसमें पानी ऐड किया है। कई जगह पर बहुत पतला मिलता है, कई जगह पर बहुत गाढ़ा मिलता है। हमारे यहाँ गाढ़ा पसंद करते हैं तो मैंने इसे गाढ़ा ही बनाया है। अब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो 3 कप दही में 3 टेबल स्पून जितनी चीनी ऐड कर दें आप, और इसमें हम शहद मिलाएंगे तो लगभग 2 चम्मच जितना आप इसमें शहद मिला दें। तो अगर शहद नहीं है तो वैसे तो स्किप कर सकते हैं, बट शहद जो है ज़रूर से डलता है इसमें और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसे अच्छी तरीके से मिलाएंगे। आप देखेंगे कि चीनी जैसे इसमें मेल्ट होगी ना तो ये हल्का सा जो है पानी छोड़ देगा। अच्छा, इसे हैंड विस्क की मदद से कभी भी ना चलाएं, तो अगर आप इसे चला लोगे ना तो वो दही भल्ले वाला दही बन जाएगा, वो मज़ा नहीं आएगा। हल्का हल्का ही इसे चलाते हैं, इसमें जो मतलब दही के जो मोटी मोटी दाने हैं या कहें वो इसमें अच्छे लगते हैं। अब इसमें भी हमने जो है तुलसी की पत्ती मिला दी है, ये ज़रूर से मिलाएं। और अब है मेरे पास ये गंगा जल। गंगा जल हमारे मंदिर में हमेशा होता है, तो यहाँ पर हम जो है 2 टेबल स्पून जितना गंगा जल इसमें मिला देंगे। तो बहुत ही स्वादिष्ट गंगा जल से ये बन जाएगा। और ऊपर से हम इसमें कोई भी 5 तरीके के ड्राई फ्रूट मिला सकते हैं। तो जो भी आप मिलाना चाहें, जैसे काजू, बादाम, चिरौंजी, मखाना, कोकोनट, ये मिला सकते हैं। नहीं तो इसमें से कुछ स्किप करके कोई दूसरे प्रकार के जो आपको पसंद हो वो मिला सकते हैं। तो बस पंचामृत में ध्यान रखिएगा कि 5 तरीके के आपको इसमें मेवे मिलाने होते हैं। दूसरी बात, इसमें ध्यान से आप तुलसी की पत्ती डालें अगर आप कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं। और इसे जो है ढक कर के आप 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि हमारा जो मखाना है और जो चीनी वगैरह है इसका टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए। तो हमारा जो है पंचामृत भी बन कर के तैयार हो गया है और पंजीरी हमने ऑलरेडी मिला दी थी। गार्निश किया है मैंने थोड़े से केसर के साथ में और देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस दिख रहा है। तो इस तरीके से हांडी में भरिए और ऐसे इस तरह से बिल्कुल कान्हा जी को भोग लगाइए, उन्हें बेहद पसंद आएगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा पूजा करके।